नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज। दिल्ली की आजादपुर मंडी में कम हुए टमाटर के दाम। टमाटर की कीमतों से लोग हो रहे थे परेशान। लगातार बढ़ रही थी टमाटर की कीमतें, लोगों के घर का बजट भी चरमरा चुका था। अब आजादपुर मंडी में टमाटर की कीमतें कम हुई, दो लोगों ने ली राहत की सांस। 30 रुपए प्रति किलो कम हुए टमाटर के दाम। एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी में टमाटर के दामों में गिरावट आई है, तो लोगों ने विराट की शादी। राजधानी दिल्ली में टमाटर लगातार लोगों को परेशान कर रहा था। टमाटर की कीमतें आसमान छू रही थी, जिसकी वजह से टमाटर लोगों से दूर हो रहा था और घर का बजट भी बिगड़ रहा था, रसोई का स्वाद भी बिगड़ रहा था और जनता परेशान थी। लेकिन पिछले दो दिनों से लगातार टमाटर की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। प्रति किलो की अगर बात की जाए तो 20 रुपए प्रति किलो की दर में गिरावट आई है, जिससे जो टमाटर लोगों को 80 से 100 रुपए किलो बाजार में मिल रहा था, वही टमाटर लोगों को 50 से 60 रुपए तक में मिल पाएगा। टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो रसोई में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, चाहे वह दाल हो सब्जी हो, सभी में टमाटर का इस्तेमाल होता है। टमाटर की कीमतें बढ़ने से पूरे घर का बजट बिगड़ चुका था, ऐसे में जनता परेशान है। लेकिन अब जो लोकल फसलें हैं वह आना शुरू हुई है। डीजल की कीमतों में भी कुछ गिरावट आई और दिल्ली के कुछ बॉर्डर में भी छूट दी गई है, जिसके बाद टमाटर दिल्ली के आजादपुर मंडी में पर्याप्त मात्रा में पहुंचने लगा। यही वजह है कि टमाटर की कीमतों में और गिरावट दर्ज की जा रही है। बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में कीमतें और कम होंगी और लोगों को कम से कम महंगी सब्जियों से तो छुटकारा मिल पाएगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम अशोक कौशिक। अशोक जी, टमाटर के क्या रेट चल रहा है? एक हफ्ता पहले क्या था, आज के डेट में क्या रेट है? एक हफ्ता पहले जो टमाटर था, अच्छी क्वालिटी का टमाटर 60 और 70 रुपए थोक के भाव में बिक रहा था, 50 रुपए से लेके, ठीक है जी। और आज दो दिन के अंदर थोड़ा बाजार डाउन हुआ है। आज हमारी मंडी में थोक का बाजार 30 रुपए से लेके 50 रुपए तक का बाजार है थोक का। कितने की गिरावट हुई है सर? ये समझ लो 20 रुपए का कम से कम अंतर आया टमाटर के अंदर। 20 रुपए केजी पे? केजी पे। अब क्या लगातार इस तरह से मार्केट में गिरावट आ सकती है कि बढ़ेगी? नहीं, गिरावट आएगी, क्योंकि अब पहले हमारे पास एक दो स्टेटों से टमाटर था, अब हमारे पास कई स्टेट से टमाटर आ रहा है, जैसे राजस्थान से है, एमपी से है और मध्य प्रदेश वगैरह से कई जगह से टमाटर निकलना शुरू हो गया, तो गिरावट आएगी। उत्तराखंड से, छत्तीसगढ़ से भी टमाटर शुरू हो गया। पब्लिक का कहना था कि टमाटर का रेट बढ़ते ही जेब पर भारी पड़ गया था, अब रेट कम हो गया तो क्या कहना चाहते हैं? नहीं, खाली टमाटर का रेट नहीं बढ़ता, रेट तो कई चीज़ों का बढ़ जाता है, लेकिन ये टमाटर एक ऐसी चीज़ है ये जो रोज़ की ज़रूरत होती है, इसलिए टमाटर की ज़्यादा गिनती में आ जाता है। टमाटर का इतना रेट ऊपर जितना जाता है, थोड़ा नीचे आगे बराबर आ जाएगा, 30 और 40 के बीच में आ जाएगा, 2-4 दिन के अंदर। टमाटर थोक रेट में 30 और 40 के? बिल्कुल बिल्कुल। बाहर के रेट क्या होना चाहिए? बाहर का रेट ये समझ लो कि उनका लोडिंग का खर्चा है, उनका जो मार्केट का खर्चा है, वो 60 और 70 के बीच में पड़ जाता है, जाके 20-15 रुपए केजी का फर्क आ ही जाता है। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सफर आपके साथ न्यूज।